अगर ये टूट जाए तो मीडिया के लोग उसको ना दिखेगा। आज की सभा में उपस्थित सभा में उपस्थित परम श्रद्धेय नेता हमारे बड़े हमारे साथीगण हमारे बैठे हुए हमारी सब माँ हमारी बहन हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े हमारे भाई और हमारे मजबूत नौजवान साथी पूरे देश में 543 स्थान पे चुनाव हो रहे हैं। कई जगह बड़े बड़े अनुभवी लोग बड़े बड़े करिश्माई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र है पूरे देश में जाके सांसद को ना कोई सांसद जी बुलाता है, ना कोई मंत्री जी बुलाता है, ना कोई उनको नाम से बुलाता है, पूरे क्षेत्र में लोग माता जी के नाम से बुलाते हैं। मैं माँ जो होती है वो परमात्मा के बराबर एक शक्ति होती है, क्योंकि जब पूरे दुनिया साथ दे ना दे माँ कभी साथ नहीं छोड़। और आज मैं केवल अपने माँ के लिए समर्थन जुटाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सुल्तानपुर की माँ के लिए समर्थन माँ की जो परिभाषा होती है वो होती है वो शक्ति जो सबकी रक्षा करे, जो भेदभाव ना करे, जो काम आए मुश्किल में और जो निरंतर अपने हृदय में सबके लिए प्यार रखे। माँ की डांट जो होती है वो भी एक आशीर्वाद होता है। हम लोग जब सुल्तानपुर 10 साल पहले आए थे चुनाव लड़ने, तो पहली बार सुल्तानपुर में लोगों ने कहा कि साहब जो अमेठी में रौनक है, जो रायबरेली में रौनक है, हम चाहते हैं कि सुल्तानपुर में भी ऐसी रौनक आवे। आज मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कहना कि देश में सुल्तानपुर का जब नाम लिया जाता है वो मुख्य धारा में प्रथम पंक्ति में नाम लिया जाता है पूरे देश। अब जब सुल्तानपुर का कोई व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे असहाय हो चाहे निर्धन हो, उसको पता है कि चाहे वो लखनऊ जाए चाहे दिल्ली जाए चाहे बनारस जाए चाहे कहीं जाए, जब वो जाता है तो उसके साथ एक पहचान जुड़ी है। उसको केवल ये कहना है कि हम सुल्तानपुर से हैं, तो लोग कहते हैं वो मेनका गांधी वाला सुल्तानपुर वो वहां से आए। मैं यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि सुल्तानपुर में ना काबिलियत की कमी है, ना साहस की कमी है, ना प्रतिभा की और ना स्वाभिमान की। सुल्तानपुर के लोग को केवल एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको अपना परिवार माने। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है हर वार में जो साथ थे वो ही परिवार होता है। हम लोग एक वादा करते हैं
नाली, सड़क, बिजली, ये सब होता रहेगा, लेकिन हम वादा करते हैं, एक खून के रिश्ते का वादा करते हैं कि सुल्तानपुर का कोई भी व्यक्ति कभी अकेला नहीं होगा। जैसे पीलीभीत में सब के पास वरुण गांधी का नंबर है, वैसे ही मैंने अपनी माँ को देखा है, 11, 11, 12 बजे रात को किसी का भी फोन आता है तो उठाती हैं और उसके समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है। ना उनके अंदर कोई मैं है, ना उनके अंदर कोई अहंकार है, ना उनने किसी का नुकसान किया, ना उन्होंने गांव-गांव में झगड़ा फैलाया, ना उन्होंने कभी किसी के साथ दुश्मनी निभाई। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और सबका अधिकार हमारे परिवार के ऊपर है, यहाँ पे कोई हमसे अलग नहीं। मैं आपको बताता हूँ, पूरे सुल्तानपुर में एक भी व्यक्ति से हमारे कोई गुस्सा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। हमारे सामने भी जो चुनाव लड़ेंगे बाद में, अगर वो भी बीमार पड़े, सबसे पहले हम ही उनकी मदद करेंगे। जिंदाबाद। किसी से कोई बैर नहीं। यहाँ पे जितने लोग हैं, जब मैं सुल्तानपुर पहली बार आया, तो मुझे अपने पिताजी की खुशबू यहाँ लगी, लेकिन आज मुझे कहने में बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने मातृभूमि में आ गया। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, अगर कभी कोई संकट में आए, कभी कोई दिक्कत में आए, कभी किसी के परिवार में कोई बीमार हो या कोई संकट आए, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी अकेला नहीं होना चाहिए। आप सब लोग, मैं अपना फोन नंबर अभी बोल रहा हूँ, सब लोग अपना फोन निकाल के मेरा फोन नंबर लिखिए। ये एक सुरक्षा कवच मैं आपको दे रहा हूँ, जिनके पास माताजी का नंबर है वो और भी बड़ा सुरक्षा कवच है, नहीं तो अगर कोई भी दिक्कत आए, अधिकार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।